नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम जो है आज जो है सोमवार को मुंबई की समुद्र को विदा करते हुए श्रीलंका के समुद्र में पहुंचोगी। ठीक है, समुद्र से उनका वास्ता है। समुद्र में जिस तरह से ये हलचल मची हुई है, ये तूफान आ रहे हैं, भारतीय क्रिकेट में भी तूफान मचा हुआ है। जिस तरह से ये वेग जो हैं ऊपर नीचे हो रहे हैं, भारतीय क्रिकेट में ये सवालों का जो दौर है वो चल रहा है। नए कोच गौतम गंभीर जो हैं आज आप सब लोगों के सामने पेश होंगे मुंबई में। उनके साथ होंगे अजीत अगरकर। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हो सकता है थोड़ी देर लेट हो, लेकिन मोटा मोटी 10 बजे का है। बोर्ड सेक्रेटरी जो है जय शाह, बीसीसीआई के सचिव, वो नहीं होंगे, वो कोलंबो में हैं। तो जब टीम जब पहुँचोगी 1 बजे दोपहर की, मेरे ख्याल से फ़्लाइट है इनकी, तो ये दो ढाई नहीं करीब 3 बजे के अराउंड पहुँचेंगे। तो वहाँ पर जय शाह जी से मुलाकात होगी नए कोच की। अब सवाल सबसे बड़ा बात है कि भाई कोच जो जा रहे हैं गौतम गंभीर, क्या अकेले जा रहे हैं, क्योंकि उनका सपोर्ट स्टाफ अब तक डिस्कस नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से गौतम गंभीर जो जा रहे हैं उनके साथ अभिषेक नायर होंगे असिस्टेंट कोच के तौर पर, मुंबई के पूर्व बल्लेबाज। और इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स में वो गंभीर के साथ कोच की भूमिका निभा चुके हैं असिस्टेंट कोच। रोहित शर्मा के साथ काफ़ी उन्होंने वक्त बिताया। एक समय रोहित शर्मा, जब आज से करीब 8-10 साल पहले, रोहित शर्मा ने भी उनके साथ काफ़ी अभ्यास किया है। पुराने खिलाड़ी रहे हैं रोहित शर्मा के रणजी ट्रॉफी दिनों से। तो नायर रहेंगे साथ में। इसके अलावा टी दिलीप जो इकलौते ऐसे शख्स जो राहुल द्रविड़ की टीम का हिस्सा थे, राहुल द्रविड़ ने उन्होंने हैंड पिक किया था NCA से। उनके पास कोई फॉर्मर डिग्री मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट का अनुभव नहीं था, बहुत बड़े नाम नहीं थे, लेकिन कई बार होता है ना, नाम नहीं आपका काम बोलता है। तो दिलीप का काम बोला है, खिलाड़ियों ने उनको काफ़ी पसंद किया है, उनका फीडबैक बहुत अच्छा रहा है। कहा गया है कि जो टीम की जो टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइज होती है उसमें खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने में दिलीप का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और एज ए रिवॉर्ड उनको कंटिन्यू रखा गया है। और गौतम गंभीर को भी कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं भाई बदलना है तो पूरे घर के बदल डालो, अगर कोई अच्छा है और उनको लगता है रिकमेंडेशन है तो रखा जाएगा। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि भाई नायर आएंगे, टी दिलीप आएंगे, एक और रायन टेन डेस्का था जो हॉलैंड के पूर्व बल्लेबाज, धाकड़ बल्लेबाज, वो भी कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा थे, लेकिन अभी वो अमेरिका में हैं MLC में, तो उनके ज्वाइन करने की संभावना कम है श्रीलंका में। टीम के साथ वो जुड़ेंगे ऐसा कहा जा रहा है, उम्मीद है फॉर्मली, लेकिन वो श्रीलंका दौरे पर नहीं हों। और एक और जो सबसे बड़ा नाम, मॉर्ने मॉकल गेंदबाजी कोच के तौर पे उन्हीं का नाम चल रहा है। डील कहा जा रहा है कि डील फाइनल नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि मॉर्ने मॉकल श्रीलंका में भले ही नहीं, लेकिन बाद में वो जुड़ेंगे। हालांकि भारतीय क्रिकेट में चीज़ों को बदलने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, हमने देखा खिलाड़ियों के मामले में, कप्तानी के मामले, उप कप्तानी के मामले में, तो ये तो कोच की बात है। लेकिन फिलहाल अगर जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं उस लिहाज से मॉर्ने मॉकल इस दौरे पर नहीं आएंगे, तो मॉर्ने मॉकल की जगह ऐसा कहा जा रहा है कि साईराज बहुतुले जो जिम्बाब्वे दौरे पर कोच थे, बॉलिंग कोच की भूमिका निभाई थी, वो पिछले साल भी लक्ष्मण के साथ जिम्बाब्वे दौरे पे थे, साईराज बहुतुले फिल इन कर रहे हैं। वो भी मुंबई के लिए खेल चुके हैं, इंडिया के लिए खेल चुके हैं, तो साईराज बहुतुले के जाने की उम्मीद है। ये बातें हैं, लेकिन आप लोगों की दिलचस्पी इसी बात में कि भाई आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मैं हूँगा नहीं, तो मैंने एक प्रयास किया है, मैंने आप लोगों के बिहाफ से एक प्रयास किया है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना जवाब दें, क्योंकि ये एक यूनिक तरह का पीस है। मैंने कोशिश ये की है, सवाल आपके रहेंगे आप लोगों, क्योंकि आप लोगों का मैंने सवाल देखा, जो इतने सवाल तमाम आप लोगों ने अलग अलग मेरे वीडियोस में कहे, लाइव में कहे हैं, सवाल वो रहेंगे, उन सवालों को मैंने स्ट्रक्चर किया है। और जितने लोगों से मैंने बात की है, मेरी गौतम गंभीर या अजीत अगरकर से बात नहीं हुई है या किसी और खिलाड़ी से बात नहीं हुई है, लेकिन जो भारतीय क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, चाहे खिलाड़ी हों, अलग अलग कोचेज हों, अलग अलग हिस्सेदार हों, उनसे जो जानकारी इकट्ठा हुई है उसके आधार पर एक लॉजिकल जो मुझे लगता है गंभीर या अगरकर का क्या जवाब होगा। तो स्टार्ट करते हैं मॉक, जिसको बोलते हैं मॉक इंटरव्यू होता है, तो ये मॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल होंगे आप लोगों के मॉक और जवाब मैं एक बार कभी गंभीर या कभी अगरकर, जैसा डिपेंड होगा वो मानूंगा। तो शुरुआत किया जाता है, तो पहला सवाल, जो सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा गौतम गंभीर और अजीत अगरकर दोनों से, कि भैया हार्दिक पांड्या का क्या कसूर था, गौतम जी क्यों उनको सीधे उपकप्तानी से डिमोट कर दिया गया, वो वर्ल्ड कप में उपकप्तान थे, वो अभी लगातार मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी को आपने क्यों कर दिया, सूर्य कुमार यादव को आपने
क्यों कप्तान बना है, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब जो है गंभीर की बजाय अजीत अगरकर देंगे, मेरा ये मानना है। अगर ये सवाल पूछा जाएगा दोनों से तो शायद पहले अजीत अगरकर देंगे और उसके बाद हो सकता है गौतम गंभीर एड ऑन करे या ना भी करे। तो अजीत अगरकर का क्या जवाब होगा? जो अजीत अगरकर का जवाब मुझे जो लगता है जो वो लॉजिकल चुका, अजीत कोई भी बात करते हैं तो वो लॉजिक देते हैं, तो उनका लॉजिक ये होगा कि देखिए हमने कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, वाइस कप्तानी जो है ऐसे भी ज़रूरत से ज़्यादा जो है मतलब इसको तूल ना बनाया जाए, क्योंकि हार्दिक इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, हार्दिक इम्पॉर्ट, और ये अभी 2 साल बाद वर्ल्ड कप होना है। हमने देखा है कि कप्तानी को लेकर कैसे चीज़ें बदलती है। 1 साल पहले तक रोहित शर्मा वनडे वर्ल्ड कप तक तो लग रहा था कि रोहित शर्मा नहीं होंगे T20 टीम में, विराट कोहली नहीं होंगे, लेकिन चीज़ें बदली भारतीय क्रिकेट में, हालात बदले, इंजरी होती है, फॉर्म होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो रोहित शर्मा न सिर्फ कप्तान बने, विराट कोहली भी उस टीम में थे, ये दोनों गए, दिग्गज खिलाड़ी, वर्ल्ड कप जिताया। तो हार्दिक पांड्या को रूल आउट नहीं किया जा रहा है। हाँ, ये चीज़ है, उनका कंसर्न ये है, अजीत अगरकर कहेंगे कि उनका कंसर्न है कि चाहे T20 हो चाहे वनडे हो, हार्दिक पांड्या ने पिछले 2 साल में जितने मैचेस खेले हैं वो 50% लगभग 50% मैचेस खेले हैं, तो उनको एक ऐसे कप्तान की ज़रूरत है जो नियमित तौर पे खेले, नियमित तौर पे रहे, और ये हार्दिक को वो कहेंगे कि शायद उनकी बात हुई है, उनको एक्सप्लेन कर दिया गया, या हो सकता है रिवील नहीं भी करें लेकिन ये बात कहेंगे। फिर हार्दिक के बारे में ये भी पूछा जाएगा, मैं आपको ये बता दूं, अगर अलाउ किया गया कि भाई क्या हार्दिक पांड्या टेस्ट मैच के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचा जा रहा है हार्दिक को एज ए बॉलर, क्योंकि सुनील गावस्कर ने ये कहा कि अगर हार्दिक पांड्या एज एन ऑलराउंडर उपलब्ध हो तो इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छी बात होगी। मुझे लगता है इसका जवाब भी जो है या तो डिप्लोमेटिक टाल दिया जाएगा या ये कहा जाएगा कि देखिए टेस्ट की बात तो बहुत दूर की है, टेस्ट में तो बहुत लंबे आपको ओवर डालने पड़ते हैं, सबसे पहले वो उम्मीद करेंगे ना सिर्फ हार्दिक पांड्या बाकी जितने खिलाड़ी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेले, क्योंकि ये गौतम गंभीर का मानना है, और आपने देखा होगा BCCI की जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें साफ साफ कहा था कि अब भारतीय खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट को प्राथमिकता देनी होगी। ये किसी एक खिलाड़ी विशेष की बात नहीं है, पिछले कुछ सालों में ऐसा रहा है कि बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं सीधे इंटरनेशनल खेलते हैं, IPL खेलते हैं, और वो जो भी जब इंजरी उनकी होती है या जो अपना टाइम मैनेजमेंट होता है वो अपने IPL की टीमों के जो सपोर्ट स्टाफ है उनके साथ करते हैं, तो कई बार ये जो है वो उस चीज़ की समस्या रही है, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की दिक्कत रही है, BCCI के आला अधिकारी को कहा गया, तो ये एक नया रूल लाया गया है और इस रूल के तहत हार्दिक पांड्या को शायद अजीत अगरकर इस बात को कहेंगे या गौतम गंभीर कहेंगे कि भाई उन्हें पहले वनडे टीम में 10-10 ओवर जो है लगातार करने को, क्योंकि उनके बारे में ये आंकड़ा दिखाया जा रहा है कि 2019 में आखिरी बार न्यूजीलैंड के खिलाफ जो गेम था वर्ल्ड कप में उसमें उन्होंने 10 ओवर की गेंदबाजी की थी। तो हार्दिक पांड्या एज ए प्रीमियर ऑलराउंडर न सिर्फ T20 में 4 ओवर बल्कि वनडे में भी उनको 10 ओवर डालने होंगे, और जो गौतम गंभीर की जो थ्योरी है कि ये उन्होंने खुद कहा, ये ऑन रिकॉर्ड गौतम गंभीर ने कहा है कि भाई ये वो इंजरी मैनेजमेंट और प्रिजर्व करने में यकीन नहीं रखते, जो राहुल द्रविड़ की थॉट थी पुरानी हेड कोच की, रोहित शर्मा इसको बाय करते थे कि भाई प्रीशियस खिलाड़ी है उसको रखो, उसको छूट दो, कॉटन वूल में रखो और जब ज़रूरत हो तब करो, लेकिन ये बदलेगी। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं अजीत अगरकर और गौतम गंभीर इस बात को क्लियर करेंगे कि अगर आपको खेलना है इंडियन क्रिकेट के लिए, आपको उपलब्ध करना होगा अपने आप को, वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो, ये फैसला सिलेक्टर लेंगे, ये मुझे उम्मीद है। अब आप लोग की क्या राय है बताना। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आएगा इसके बाद कि भाई रविंद्र जडेजा का क्या, सीनियर खिलाड़ियों के साथ आप एक के बाद एक ये काम कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या को आपने कप्तानी से हटा दिया, रविंद्र जडेजा क्यों नहीं है T20 टीम में, उन्होंने संन्यास ले लिया है, वनडे टीम में क्यों नहीं? देखिए तो उनका तर्क मुझे जो लगता है रविंद्र जडेजा, क्योंकि और ये मुझे लगता है अजीत अगरकर की बजाय दोनों देंगे, गौतम गंभीर भी जवाब देंगे, वो ये कि जडेजा भी स्कीम ऑफ थिंग्स में है, क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी तक तो देखिए बहुत ज़्यादा वनडे है नहीं, और जडेजा को ये 10 टेस्ट मैच खेलने हैं, ऑस्ट्रेलिया में 5 और घर में 5, ऑलराउंडर, और पिछले 2-3 सालों में उनकी बड़ी इंजरी हुई है, प्रिजर्व करना चाहते हैं, और प्लस ये भी देखना चाहते हैं कि भाई आपके पास जो स्पिन ऑलराउंडर हैं, चाहे अक्षर पटेल हो चाहे वाशिंगटन सुंदर हो, ये कैसा कर रहे हैं। तो इस जडेजा को ये कन्वे कर दिया गया है, और ये जडेजा को ये बात मुझे जहाँ तक मिली है जानकारी, ये बात जो है जयशाह जी ने, अजीत अगरकर जी ने ये उन्हें बारबाडोस में ही कह दिया था, वर्ल्ड कप जीतने के बाद इनकी 2-3 दिन की मीटिंग हुई थी, आधी बातें वहीं ख़त्म कर। तो जडेजा को लेकर चिंता नहीं करनी है, अगर जडेजा के बारे में सवाल पूछा गया तो ये कहा जाएगा कि जडेजा वनडे क्रिकेट से, भारत के स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर नहीं हुए हैं। जडेजा के बाद एक और स्पिनर युजवेंद्र चहल के बारे में सवाल पूछा जाएगा कि भाई चहल का क्या कसूर है, आप जो है चहल को लेकर आते हो वर्ल्ड कप में, आप 2021 वर्ल्ड कप में आप लेकर गए है ना, नहीं
टी20 वर्ल्ड कप में आप उनको लेकर ही नहीं गए, वहां पर आप उसको ले गए वरुण चक्रवर्ती को, 22 में लेकर गए उनको एक भी मैच नहीं खिलाया टी20 में, 23 में वनडे वर्ल्ड कप में उनको चुना ही नहीं, 24 में फिर से उनको लेकर आए एक भी मैच नहीं, और अब वो टीम का हिस्सा नहीं है। चहल के साथ आप क्या कर रहे हो? इस पर अजीत अगरकर का जो जवाब होगा, गौतम गंभीर ने, मुझे लगता है अगरकर इस बात का जवाब देंगे, वो ये कह सकते हैं कि भाई अगरकर जो अभी भी स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर नहीं है, लेकिन द फैक्ट कि वो फोर्थ स्पिनर थे वनडे वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप की टीम में, उनको लाया गया था चौथे स्पिनर के तौर पे, एक विकल्प के तौर पे। पहले से ही पता था कि चहल को मौके बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, उनको एक आध मैचेस में मौके मिलते जहां पर लगता है स्पिन हैवी ट्रैक है वेस्ट इंडीज में, वहां तो ऐसा हुआ नहीं। तो चहल जो है इससे चहल कर ले, लेकिन एट द सेम टाइम उनको कहा जाएगा, जो चहल के बारे में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो पुरानी सिलेक्शन कमेटी थी या नई सिलेक्शन कमेटी है उसमें एक जो थॉट है चहल को लेकर वो कंसिस्टेंट ये है, चैंपियन बॉलर हैं, लेग स्पिनर के तौर पर उनका कोई जवाब नहीं है, अनुभव हैं, वेरी स्किलफुल हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट बदली है, वहाँ पर आपको अगर आप 11 नंबर पर बैटिंग करते हैं तो कुछ रन आप दो, फील्डिंग भी आपका एक एक्सेलेंट होना चाहिए, तो ये लगातार इस पहलू पर उनको शायद काम करने को कहा जाएगा, तो चहल को लेकर ये सवाल ख़त्म हो जाएगा। सवाल यह है कि चहल के साथी जो हैं राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन, वो सवाल मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे पेचीदा सवाल होगा, वो सवाल जो है कि भाई आखिर संजू सैमसन क्यों, जो हम लोगों ने बार बार किया संजू सैमसन, तो इस बात का मुझे लगता है, और ये बात गौतम गंभीर से पूछा जाएगा, सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये लोग पूछेंगे कि गंभीर जी आपने तो कोट किया था, आपका पुराना बाइट वायरल हो रही है कि सबसे बढ़िया बैट्समैन रहे हैं युवा खिलाड़ी में, उनका क्या कसूर है, और गंभीर को लेकर बहुत ज़्यादा सैमसन को लेकर चर्चा हुई है। मुझे लगता है चाहे इस सवाल का जवाब अगर कर दें चाहे गौतम गंभीर दें, वो ये ज़रूर कहेंगे कि जो ये सिलेक्शन हुआ है इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑन संजू सैमसन एबिलिटी, बट रादर अभी जो ऑप्शंस हैं इंडिया के पास वो उसका रिफ्लेक्शन है। उसका ये है कि भाई अब जो है संजू सैमसन को उन्होंने टी20 में तो रखा, वनडे में इसने नहीं रखा है, क्योंकि ऋषभ पंत को ये देख रहे हैं वनडे क्रिकेट में, ठीक है ना, और आखिरी बार ऋषभ पंत ने वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड में जब उन्होंने वनडे खेली थी 100 किया था, प्लस ऋषभ पंत जो है टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, इसके अलावा दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल टीम का हिस्सा हैं, और इन सबसे बड़ी बात केएल राहुल को भी ऋषभ पंत का बैकअप नहीं देख रही है, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की कमेटी जो है इनको नहीं देख रही, ये ध्रुव जुरेल को देख रहे हैं। ध्रुव जुरेल ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ज़बरदस्त खेल दिखाया था, और उनको टी20 वर्ल्ड कप में ध्रुव जुरेल का नाम बहुत तेज़ी से आया था, ये अलग बात, IPL उनका अच्छा नहीं रहा था तो आखिरी लम्हों में वो हट गए थे, तो ध्रुव जुरेल एज एन अल्टीमेट बैकर हैं तीनों फॉर्मेट में, इसलिए इस चीज़ को एक्सप्लेन करना मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट होगा, और ये अगर कन्विंस कर पाए अजीत अगरकर और गौतम गंभीर तो मुझे लगता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी बात होगी। इसके अलावा एक और सवाल जो सबके मन में है, बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है कि यार राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी इत्तेफाक है ये बात कि आपने चहल को नहीं खिलाया, चहल नहीं है टीम में वनडे टीम में टी20 में, आपने संजू सैमसन को तो चलो वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा था वनडे में नहीं रखा टी20 में रखा, ये यशस्वी जायसवाल जो है इसको ऑल फॉर्मेट बैट्समैन माना जा रहा है, बहुत टैलेंटेड है, इसको आप जो है टेस्ट में आप रखे हुए हो और टी20 में रखे हुए हो, वनडे में आप नहीं रखे हुए हो, ये क्या बात हुई, ये अद्भुत बात नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है, ऐसा शिखर धवन के साथ होता था, शिखर धवन जब थे तो शिखर धवन जो है टेस्ट टीम का टेस्ट के ओपनर होते थे, टी20 के होते थे, वनडे में वो नहीं थे, ऐसा शिखर के साथ हुआ है, अजीबोगरीब सिचुएशन है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसकी भी जो एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई आप शुभमन गिल जो है आपके वनडे में ओपनर के तौर पर रोहित शर्मा के साथ हैं, और जब तक रोहित शर्मा कप्तान है अगले एक साल तक कप्तान BCCI ने उनको घोषित कर ही दिया है, चैंपियंस ट्रॉफी तक तो यशस्वी जायसवाल नहीं दिखते हैं वनडे टीम में चूँकि गिल हैं, और बैकअप के तौर पर वो खेल ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जवाब उनका होगा, ये बात ख़त्म हो गई यशस्वी जायसवाल की। अब सवाल आता है कि भाई हमने जो है अहम सवाल जितने जो मेन जो खिलाड़ी थे जिससे ज़्यादा सवाल जुड़े आ रहे थे वो हमने पूछा है, ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर, ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर मैंने एक अलग से भी स्टोरी की है वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में भी पूछा जाएगा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अजीत अगरकर और गौतम गंभीर का ये एक्सप्लेनेशन होगा कि
कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं अगेन स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं, ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं T20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं थे, गिल थे और गिल रिजर्व में थे 15 के बाहर, तो उनका दावा था, प्लस गिल गए भी थे जिम्बाब्वे में कप्तान के तौर पर, उनको हटाया नहीं जा सकता। वनडे में जाहिर सी बात है अगर जायसवाल की जगह नहीं बनती है तो ऋतुराज गायकवाड़ की कहाँ से बनेगी, तो ये चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए कन्विंसिंग हो या नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सही क्या है गलत क्या है, हम सब की अपनी अपनी सोच है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि दिस इज़ वॉट सिलेक्शन कमिटी थिंक्स, दिस इज़ वॉट दे आर गोइंग टू से। आपको ये कैसा लगा मॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस? सवाल आप लोगों के, जवाब जो है मेरे हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से अजीत अगरकर और गौतम गंभीर क्या कहेंगे वो मैंने सोचा है, कितना सही कितना गलत होगा ये तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पता चलेगा। हम आप लोग से जुड़ेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जुड़ेंगे ठीक है ना, आप लोग से बातचीत करेंगे, देखेंगे और श्रीलंका दौरे से जुड़े बहुत और तमाम बातें करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल मेरे साथ। चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।